या अपना अक्सर पुलिसवाले की बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी कोठियां भरने देखोगे, लेकिन आज मैं अपना ऐसा पुलिसवाला तो मिलाऊंगा जो मतलब कि कदे अमीर बने नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? आप लोग घर देखने लग रहे हो भाई, घर भी अच्छा खासा पुराना है यू, इसका रंग रोगन को नहीं हो रहा, और पुलिस में लग गया ना भी बहुत साल हो गए हैं, आज तक भी उस स्थिति में क्या है पूरी की पूरी आप बात जानना है। राम की माता जी आता बात करें, राम राम जी ताई जी। राम राम बेटा। अच्छा कितना पेड ले दिए फिर ताई आपने? तो ले दिए बेटा मामने 1500 से 2000। अच्छा ताई एक बात बताओ, जैसे आप एक बार कहूंगा पुलिस वाला एक मकान दिखा दे भाई उस साइड तक जरा आप देखा पुलिस वाला के मकान की है चंडीगढ़ में बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोठी पावे हैं, आपका बेटा भी पुलिस में है लेकिन आज भी एक मतलब एक नॉर्मल स्थिति में जीन लग रहा है, के कहोगे इस बात पे? बेटा मामी तो गरीबी में रहना ही चाहवा हां। अच्छा कि मेरी मामी बड़े मनसांग लगा को रख सकते। अच्छा ठीक है मामी तो ये रोजगार तेरा। अच्छा ले संतुष्ट हो इस तरह? हां सूट है मामी तो। अच्छा और जुगर ले और जैसे पुलिस में लग रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ी रखा बड़ी कोठी बंगले में रहवे एवे किस तरह है फिर उनती बेटा अपने उसमें ज्यादा होगा हवा लेने का उसमें। अच्छा मामी तो गरीबी में रहकर आती हूं। अच्छा गरीबी तो प्यार हो रहा है? हां प्यार हो रहा है, ये रोटी बहुत है। अच्छा बैल की दही हुई ठीक है रोटी। अच्छा जुगर ले आप गात तो पेड़ा लो आया है, कितना खुशी हो रही है? जमा घनी खुशी हो रही है जुगर जा मैं बेटे की हो। अच्छा आपका तौर भी लवाए हैं जैसे काफी सारे गांव में पेड़े? अच्छा हाथ लग रहा सब का लग रहा सब में पाड़ी गेड़ू। अच्छा अरे न्यू को नहीं हो जुगर लेके यहाँ बालक भी एक नॉर्मल सा स्कूल में पढ़ा है कि भाई इतनी अच्छा स्कूल में पढ़ा ले रुपये कमा ले क्योंकि समाज सेवा में देखो घर तला इनका पापा जमा गाँव में पढ़िया। अच्छा फिर भी नौकरी पर लग गया, पढ़ाई करनी चाहिए किसी स्कूल में पढ़ लो चाहे। अच्छा जुगर ले गाँव में तो और भी नौकरी वाले हो गए बतेरे जो मतलब कि जज भी लग रहे हो गए SPDC भी बन रहे हो गए, एवं तो कौन करते सारा काम? वो तो बोला अपनी अपनी हो मन की, जिसका मन में चाह हो लै दो, जिसका जो के मन में पाड़े लाई लुई भी पाड़ दे हैं, बड़े दरखत भी पाड़े हैं ठीक है। वहाँ भी जामे बैठे हैं। अरे गांव बड़े न्यू तो गंदे की भाई अपना नौकरियों कर ले ढंग तक पीछे कमा ले अपना बच्चे ना बढ़िया स्कूल में पढ़ा ले क्यों बोल हो रहा है सारी राय दुनिया हो बेटा। अच्छा कोई सरा हुआ है कोई बिसरिया हुआ है, किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। आप ले पूरा साथ दे रहे हो इसमें? साथ दे। अच्छा ला भाई पुलिस वाला की माँ पूरा साथ दे रही है। राम राम जी भाई जी। भाई साहब राम राम। और कामा पेड़ा हो गया भी अपने जीवन में? पहला तो हमने गिने 32,000 के करीब हमने मतलब पौधे लियाए नर्सरिया में था मोल भी लियाए बंडे लोगों तेरा गाड़ी पर के खड़ी कर दे कर दे पहला की जिप्सी हुई कर दी मेरे पे मेरी या मनदीप संधू की है भाई की कुत्ते पर था दोस्त मेरा वो मेरा गले ही रहा है। अच्छा तो यू बड़ लाया था हमने इसका जन्मदिन पे बेटा का पे। अच्छा ये उरन मोदी जी का जन्मदिन पे भी लाए थे हमने भाई परन है पछ है भाई वो सुल्तान है वो सारा रे भरे पिपल बड़ ठीक है सुल्तान में रोड पे जोड़ का साइड में को शमशाना में यू आर स्टेडियम में बिजली कर लो है भाई किन्ना स्कूल दो रहा है हमने लाए तो बहुत है भाई। अच्छा। अनाज मंडी अच्छा, में एक बात आओ भाई जी जैसे कि राजेंद्र भाई है। अच्छा राम राम भाई राम राम मतलब ये गाड़ी जे में ड्यूटी पे बिग नहीं खड़ी कर गया ये ले देंगे इनती मतलब जैसे कि आपने 32,000 पेड़े ले लिए हैं चालू कितने हो रहे उनमें भाई मामने गांव में 300 तो ऊपर हो गए अपने गांव में नहीं हो गए भाई हो गए राम वो सारे चालू हैं। अच्छा लगभग ये तेरा उरे वो भी बतेरे लग रहे हैं पछा भी लग रहे हैं रखरखाव भाई जी किस तरह करो गांव की परमात्मा कराए जो करूरा तो नाली ला दिया बुढ़िया गेट दिया पानी मेरी माँ गेट दिया बाल गेट दिया तो ये पानी इनकी जरूरत भी कोनी इनकी यू एक पौधा उसके अपनी माँ के नाम अपने पिताजी के नाम ये त्रिवेणी लगाई हमने और सबसे यही अपील करते हैं हम भाई सारे त्रिवेणी लगाओ और एक त्रिवेणी अपने बाप परिवार के नाम क्योंकि जब आदमी जाता है दुनिया छोड़ के एक पौधे की लकड़ी जलाने में काम लग जाती है तो प्रकृति पे बोझ न बने प्रकृति का साथ दें और जितना उसके उतने ज्यादा पौधे लगाएं थोड़ा टाइम अपनी भारत माता अपने देश को दें। बहुत सारे भाई वीडियो देखने लग रहे हैं न्यू कौन बेरा ये पेड़े कटता आवेंगे के रख रखाव करना पड़ा नर्सरी में जाएं वहां जाने के बाद एप्लीकेशन दे दें या DFO साहब के दे दें ऑफिस में जाके भाई इस गांव में इतने पौधे लगाने हैं हमने प्रशासन भी लगा देता है और मतलब बीमारी वही आती है लास्ट में भाई इसका रख रखाव क्योंकि मेरे एक पौधा यहाँ काट भी दिया था। अच्छा जैसे ये है ये जाल है ये पुराना निकाल रखे हमने ये तीन पौधे में यूज कर लिया। अच्छा और भी बहुत हैं जैसे आप जाओगे गांव से बाहर धनोरी वाले रास्ते पे वहाँ भी जाल लगे मिलेंगे आपने उन जालों को फिर हम आगे निकालेंगे इनमें सारे में जाल थे ये जितने थे हमने पुराने जाल निकाले बड़े पौधे हो गए जो काट काट के उनमें से फिर हमने ये लगाए जहाँ हमें खाली मिल गया तो ऐसे ही लगाते हैं और मतलब परेशानी तो काफ़ी आती है क्योंकि अगर जाल नहीं लगाएंगे तो इसको तोड़ देंगे और
कोई नुकसान कर देगा, अब ये जाल से ही इसकी सेफ्टी हो पाएगी। तो हम इतने क्यों लगा रहे हैं गांव में जहां उनकी सेफ्टी रहे। अब की बार मैंने कितना पेडे लाने का मुहिम है, की बार हम मतलब पहले भी गिनना छोड़ गए कितने लगा दिए, मतलब अनगिनत इतने पौधे लगाने का हमारा मतलब लक्ष्य है कि हमें देखकर और लगाएंगे, वो भी एक प्रेरणा लेंगे। हाँ, ये पूरा एक महीना, एक जुलाई से 31 जुलाई तक हर दिन पौधे लगाते मिलेंगे, हर दिन पौधा लगाते मिलेंगे। कोशिश तो देखो भाई, हरियाणा के लिए तो पैसे चाहिए, गाड़ी तेल चाहिए, सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हमारा प्रयास है भाई अपने आस पास और जो भी साथी कहीं लगाना चाहे लगा के, मतलब उसको लगे की हम उसके कोई काम आ सके, गड्ढा मरवाने में या वीडियो बनाने के, वीडियो बनाने का भी एक, जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं साथी अजय भाई, मैं सबसे अपील करूंगा भाई जो अच्छा काम करता है उनकी वीडियो बनाए ताकि वो देखकर और प्रेरणा लें और लोग ऐसे ही पौधे लगाएं, ऐसे ही पौधे लगाएं। एंड जुगर ले इसका रख रखाव पेड़ा जुगर ले एक साल में तैयार हो जाए पूरा, यू 3 साल का हो गया, 3 साल का भाई दिखा दे भाई करके, वो 4 की होगी, मतलब मामने बेरा है कौन सा कितने दिन का हो गया। तो यू तो इसमें पानी पड़ागा नहीं प्रॉपर, इब्राम भी बरसाएगा जुलाई में ही, बहुत जैसा रूप परमात्मा भी मेहर करागा। तो एक बात है, अपना तो बड़ा दिव्य है, बिल्कुल है भाई, है नहीं। और जो ये पौधे हैं तो मैं इतने इतने ले आया था छोटे छोटे, मतलब क्योंकि मैंने बेरा कौन था, जब मैं छोटे पौधे ले आया उस पर ज्यादा टाइम में तैयार हो ही कर दे। ये मेरी रिक्वेस्ट हो भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा बड़े पौधे ले आऊं, इतने बड़े। डीएफओ साहब से भी बात हुई थी, एमएलए से भी बात करी थी, तो भाई उन सब ने कहा भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैंने उनसे एक अपील करी थी भाई ये ट्री गार्ड और ये पौधे मुहैया कराएं। अच्छा देखो भाई जी, बहुत सारे भाई कहीं सोचते हो भाई महंगा पड़ दोगे पेड़े, एक पेड़ा बजू को मैं पिपल का पेड़ा, इस पर कितना खर्चा आ जाएगा जाल समेत, जाल का अलग बता दो इसका। जाल बनाया 1600-2000 का। अच्छा, क्योंकि लोहा लोगों ने महंगा कर दिया, लेंटर लगा है, सीमेंट महंगे, सब ये कारण यही है कि हमने कच्चे मकान रखने छोड़ दिए। तो ये जाल बनता है भाई साहब 1600-2000 का, पहले 1200 का बनता था बताते थे, हमने बनवाए थे सोंगरे के लियाना में 50 सत्यवान ने लगाए थे, वो बाहर से आया हुआ था भाई। तो उस टाइम जाल जैसे मिस्त्री खुद का लेकर तैयार करवाए थे 1200 का पड़ गया था। अच्छा, उनका थोड़ा साइज छोटा था, जितना हम बड़ा बनवाए जितना ज्यादा लोहा लगेगा इतना महंगा होगा, और मजबूत बनवा लेने से भी यही है अगली बार फिर काम आ जाता है। और ये पौधा भाई इसकी वैसे तो कोई कीमत नहीं, अगर हम कहीं से लेंगे तो शायद 300 रुपए में मिल जाता होगा, 300 रुपए मिल जाएगा, इतना बड़ा। इब्बाई के हैं ये आज वाले हैं जो फ्री हैं, फ्री हैं, आगे जो भी भाई पौधे दुआ सकता हुआ मैं भी दुआ दे, जहाँ से जिसको लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है मैं पौधे दिलवा सकता हूँ तो उसका भी वेलकम है। अच्छा देखो, बहुत सारे भाई के हैं इच्छुक हैं, लेकिन रबी एक उन्हीं कहीं ना कहीं भाई आंट अड़ जाए किसी चीज़ की, आपकी सहायता करोगे जरूर, आपकी टीम का लगा को जुड़ना चाहिए, उनको तरीका बता सकता हूँ कि आपको पौधे कैसे मिलेंगे। ठीक है, किसी के पास टाइम हो हमारे पास आके हमारी मदद कर सकता है पौधे लगवाने में, गड्ढे मारने में, पानी डलवाने में, क्योंकि ये लगाने तो बहुत आसान है ना, लगाने भी बहुत मुश्किल है। देखो अब गर्मी कितनी है, ये पसीना टपक रहा है, खड्डा इसने मारा मन ने मारा, और अभी ये लगाने के बाद ये जाल सेट करना, इस एक पौधे में भी त्रिवेणी में हमारा 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा अगर अच्छी तरह लगाएंगे त्रिवेणी। वैसे तो भाई गड्ढा चल पड़ा वो उसका तो तरीका का फायदा नहीं, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते, ये जालों ने बचाए थे, अब जब से जाल ने लिगड़िया देखे इसके थोड़ी बहुत चोटें लगी है बेचारा पौधा का, नहीं किसी ने बुग्गी मार दी किसी ने कुछ, अब गांव के ऐसे ही काम हुआ भाई पंचायती जमीन में भाई तेरी कोई गरकी थोड़े ही है। ठीक है, जो कर गाड़ी पर का पेडे की ले रहे हो दिखाई दे, जो कर खुद का खर्चा पे ले रहे हो या किस तरह ही है? बिल्कुल, ये खुद का खर्चा है भाई, पौधे फ्री हैं। अच्छा, खुद का खर्चा गाड़ी मनदीप की, तेल मेरा, तेल तो आपका। हाँ ठीक है, और ये जो टाइम है आज के टाइम में अपने परिवार के कोनी को टाइम दे सकता, तो हम भाई अपना खुद का जो सबसे महंगा वो टाइम देते हैं। बिल्कुल भाई, तो लास्ट में क्या है भाई, कमाया क्या है भाई ने, एक पर्यावरण बचाया है भाई ने, अपना एक नॉर्मल सा घर है दिखा दे भाई, आप लोग घर देखने लग रहे हो, इसका लिए आज तक वो रंग रोगन तक नहीं करा रखे भाई, 7 साल हो गए भाई, कराओगे इसका भी जिन टाइम आओगे जिन परमात्मा टाइम देगा जो देखांगे, नहीं देखा जो लगन करे पुलिस वाले जो ले गाड़ी भी बड़ी बड़ी रखे हैं, कोठी बंगले ले जा भी 4-5 साल में लग गए, पाछा ईसा क्या तक नहीं बात बनी भाई। माम ने कोई भी आपका कैमरा का माध्यम से भी, मतलब क्योंकि दुनिया है, मैंने भी दुनिया के लोग मिले हैं, जाना थाना में भी ड्यूटी कर ली, चौकी में भी कर ली, और आयु का भी काम करके देख लिया, तो वो भाई संतुष्टि हमने कभी सोचे ही नहीं, मतलब भाई कोई आपने एक आदमी मिल जाए नहीं भाई, कड़ियाँ चलांद की जगह या कड़ियाँ 100 रुपये लिए हैं तो भाई वो तो लिए नहीं, फिर तनख्वाह में तो घर चल लेंगे यार, चाहे अपने घर भी बुढ़िया दूध बेचा है,
सिलाई कर ले है मेरी घर वाली, जो कर एक वो मेरी माए बुनन का भी कर ले है, वो चला रहे हमने, मतलब अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज का। नहीं भाई, लोगों का तो बैम भी हो, पुलिस वाला भी पीछे ले रहा है, मारा ऐसा कुछ सौदा को नहीं। ड्यूटी पे तो वारी सवेरे आवा, सवेरे अपने बिक जा, जिस दिन टेम हो उस दिन पौधे लगा ले। बिल्कुल। तो भाई अगर आपने भी इस मुहिम में जुड़ना हो, भाई का साथ देना हो, एक भी ना लगातार चला गया। हाँ बिल्कुल, एक भी ना भाई, एक भी ना, एक जुलाई से 31 जुलाई तक तो चलावे चलावांगे। हाँ। जो आगे टाइम मिल गया, आगे भगवान आगे चलावे भाई। अगर कोई भी भाई इस पर्यावरण बचाओ में शामिल होना चाहता हो तो भाई स्क्रीन पर नंबर दिखने लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख रखे भाई, संपर्क कर लियो। जय जवान, जय किसान।